ये बहुत अच्छी बात है। ये शंघाई जो है ग्रुप है उसकी जो है उसमें वजीर आजम जाते हैं और बाकी बड़े बड़े लीडर जो है इसके वो जाते हैं इसमें, और ये अपनी फाइनेंशियल सूरतों पे और बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। खुशी है मुझे कि जयशंकर जी जा रहे हैं, पाकिस्तान ने इनको बुलाया है, दावत दी है। उम्मीद करूंगा कि ये जहां शंघाई के बारे उस मीटिंग में बात करेंगे कि वो दूसरी बातें भी करें कि मुल्क को कैसे हम लोग दोस्ती की तरफ चलाएं और इस नफरत को किसी तरीके से ख़त्म करें। ये एक बहुत बड़ी बात है इनका जाना वहां पे, और जैसी हालत आज दुनिया में आप देख रहे हैं, वेस्ट एशिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसराइल और बमबारी कर रहा है लेबनान पे, सीरिया पे, ईरान पे, और सारे करीबी मुल्क जो है अपना पैलेस्टाइन है उस पर भी। और अल्लाह करे कि अब वक्त आ गया कि लड़ाइयाँ छोड़ देनी चाहिए। अगर हमने इस दुनिया को बचाना है और दुनिया को बेहतर रास्ते पे ले जाना है तो बातचीत का ही रास्ता है जिससे कि कुछ हल हो सकता है। लड़ाइयाँ बर्बादियाँ लाती हैं, बेगुनाहों को मार देती हैं। तो हमने देखा, जो हम देख रहे हैं आज यहाँ वेस्ट एशिया में, वो हम देख रहे हैं जो रशिया और उनका जो लड़ाई हुई, उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ उस मुल्क का। और ये बड़ी बात है कि अगर अब बातचीत से हम लोग कोई चीज़ें कर सकें, ठीक कर सकें, बहुत अच्छी बात होगी। अल्लाह करे कि ये उसमें कामयाब हो जाएं और पाकिस्तान भी आगे चलने की बात करे। समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ये इस पर बातचीत कर सकें और रास्ता निकालें आगे के लिए। टेररिज्म तो हम सबको बर्बाद करता है, नफरतें पैदा कर देता है इंसान और इंसान में।